ये है चाहते में सम्राट की पुरानी बीवी आ गई है। जी हाँ, उसकी एंट्री हो गई है और वो आई तो आई, साथ में कुछ कागज लेकर आई। पता नहीं नोटिस है क्या है, लेकिन वो पढ़ के ना देखो सम्राट के क्या हाल हो गए हैं। कहानी में ट्विस्ट आया है, ट्विस्ट। सम्राट के घर में हो गई एंट्री मानसी की। मानसी जो सम्राट की पहली बीवी है, और आते ही उसने सम्राट को एक कागज थमा दिया है जिसे पढ़कर सम्राट को भी झटका लगा है। उसकी बोलती बंद हो गई है और नयन भी देखती रह गई है ये सोचते हुए कि ये कौन है और क्या ट्विस्ट लाई है। मानसी खुद ही एक बहुत स्ट्रांग लड़की है, वो अपनी डिसीजन ले सकती है। ये मैं नहीं कहूँगी कि नेगेटिव है, ग्रे है, जो भी है। अगर देखा जाए, अगर आप मानसी के पर्सपेक्टिव से देखोगे, जो लाइफ वो जी रही है वो सही है उसके लिए, उसके लिए कुछ गलत नहीं है। तो इशिता गांगुली मानसी बनकर आई है, सम्राट की एक्स वाइफ बनकर आई है, जिसने नयन को हैरान कर दिया है। और नयन की हैरानी तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ खड़े बच्चे ने सम्राट की ओर इशारा करके कह दिया कि ये मेरे पापा हैं। तो फिर क्या, नयन की मुश्किल बढ़ गई। मन में सवाल भी आ गया, क्या ये सम्राट और मानसी का बेटा है? तो वो एक पास्ट स्टोरीज है जो आगे आगे रिवील होगा कि क्या है एग्जैक्टली, बच्चा है मेरा है या सम्राट का है या मैं क्या कर रही हूँ। मुझे मतलब अभी तक वो क्लियर पिक्चर मैंने देना नहीं चाहती क्योंकि वो भी ट्विस्ट है। तब कहानी में तीन का तड़का लग गया है, सम्राट की एक्स वाइफ खुद आई है या किसी ने बुलाया है, ये जानना जरूर मजेदार होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।